वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोज राजगुरु और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और ये सभी क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे यदि आप कर्मचारी आयोग हमीरपुर के एग्जाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? और ये रहे चार ऑप्शन, प्राकलन, याचिका, लोक लेखा समिति या फिर लोक उपक्रम समिति। और इसका सही जवाब ऑप्शन है प्राकलन समिति, जिसे एस्टिमेट कमेटी बोला जाता है। तो एस्टिमेट कमेटी संसद की सबसे बड़ी समिति है। अब अगला प्रश्न आप देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को क्या प्राप्त है? मौलिक क्षेत्र अधिकार, परामर्श क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार या फिर ये सभी। और इस प्रश्न का जो सही जवाब वह है ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार, अपीलीय अधिकार और परामर्श क्षेत्र अधिकार। तो तीनों प्रकार के क्षेत्र अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? हु कैन अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट जज। और ये रहे चार आपके पास ऑप्शंस। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल। तो राज्य के राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श करके एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? और इन चार ऑप्शन में से सही जवाब ऑप्शन है 1959। तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की। समवर्ती सूची में कितनी समाविष्टि है? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शन और इसका सही जवाब ऑप्शन है 52। तो आज की डेट में कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, जबकि 1976 से पहले इसमें मौजूद हुआ करते थे 47 अर्थात 47 विषय, और 5 विषय बाद में 1976 में राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। अब अगला प्रश्न, विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस, जबकि इसका सही जवाब ऑप्शन है महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विधिक मामलों में भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। भारत के राष्ट्रध्वज में चित्रित धर्म चक्र, जिसे अशोक चक्र बोला जाता है, इसमें कुल कितने आरे यानी स्पोक्स है? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी 24। तो अशोक चक्र में कुल 24 तेलियां अर्थात स्पोक्स है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को कब सम्मिलित किया गया था? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस और इसका सही जवाब ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि लागू हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 21 से संबंध रखता है 6 से 14 साल के सभी बच्चों की शिक्षा, और यह एक फंडामेंटल राइट बना इसी संविधान संशोधन के बाद। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वह है ऑप्शन ए, जलमंडल। तो जलमंडल इसका सही जवाब है। तो पूरी दुनिया में यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है अपने ओशियंस, महासागर जिन्हें बोला जाता है। अब अगला प्रश्न, वन महोत्सव किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्षारोपण से। तो वन महोत्सव जुड़ा हुआ है वृक्षारोपण से और भारत में वन महोत्सव का जनक जाना जाता है KM मुंशी को। बर्मी कंपोस्ट किस प्रकार का उर्वरक है? और यहाँ पर रहे चार ऑप्शन और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कार्बनिक उर्वरक अर्थात ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो बर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केंचुआ खाद के नाम से जानते हैं, एक कार्बनिक उर्वरक है। किसके द्वारा? पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। और ये रहे आपके पास चार ऑप्शन, जबकि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो ऐसी हानिकारक गैसें हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया करके एसिड रेन का निर्माण करती है, और यदि वर्षा के पानी का पीएच 5.6 से नीचे हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। अब अगला प्रश्न, लाइकन सर्वोत्तम सूचक है, लाइकन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस, जबकि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं लाइकन्स। अब अगला प्रश्न, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस, जबकि इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो जितने भी कंट्रीज या फिर
आइलैंड्स भूमध्य रेखा के आसपास मौजूद है, उन सब पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें से कार्बन क्रेटिंग की संकल्पना का उद्भव हुआ था? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस, जबकि इसका सही जवाब ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंध रखता है कार्बन क्रेडिटिंग से, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन संरक्षण से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हरित गृह गैस नहीं है? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस, जबकि इसका सही जवाब ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हरित गृह गैस नहीं है, जबकि CO2, मीथेन और जल वाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस है। और यदि बात की जाए प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस की, तो सबसे पहला नाम आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि लगभग 60% ग्रीन हाउस गैस बनाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है मीथेन, जो कि 20% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि 14% के करीब अपना रोल कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और 6% के करीबन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब अगला प्रश्न है, सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शन, कैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक या फिर पैलियोलिथिक कल्चर। और इसका सही जवाब ऑप्शन डी पैलियोलिथिक कल्चर। तो पैलियोलिथिक कल्चर को सोहन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी है? तो यहाँ पर बात की गई है ऐसा एनिमल जो फ्रेक्वेंटली डिपिक्ट किया गया है हड़प्पा सभ्यता के दौरान। तो उस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन बी एक श्रृंगी पशु। तो एक श्रृंगी पशु, जिसे सबसे पवित्र पशु भी माना जाता है, हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा बार चित्रित किया गया है। और यदि बात की जाए इसी सभ्यता के दौरान सबसे प्रसिद्ध जानवर की, तो वह था कोबड़ वाला बैल। दस राजन क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब 10 आर्य शासकों का भीषण युद्ध, जो कि 40 वर्षों तक चला था, और इसका वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद में। उपनिषद किस प्रकार की पुस्तकें हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र। तो उपनिषद दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसफी से संबंध पुस्तकें हैं, और ये माना जाता है कि भारत के पहले दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद, और यहीं से शुरुआत हुई है फिलोसॉफी की। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस, जबकि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी उदयन। तो उदयन ने स्थापना की थी पाटलिपुत्र की। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को क्या कहा जाता है? अंग, पर्व, उपांग्या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए अंग। तो जैन धर्म की जो पवित्र पुस्तकें हैं उन्हें बोला जाता है अंग। गंधार कला शैली अस्तित्व में कब आई? शैव संप्रदाय के दौरान, वैष्णव संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या फिर महायान संप्रदाय के दौरान। और जो इस प्रश्न का सही जवाब वह है ऑप्शन डी महायान संप्रदाय में। तो महायान संप्रदाय के दौरान गंधार कला शैली अस्तित्व में आई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे थे? और ये रहे चार ऑप्शंस, जबकि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला कर्नाटका। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटका में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय बिताया, और वहां पर ही उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती का निर्माण किया था। अब अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को ही धम्म के नाम से जाना जाता है, और धम्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत की थी सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सात वाहनों की राजधानी कहां पर हुआ करती थी? अमरावती, पैठन, दुर्ग या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी पैठन, जिसे प्रतिष्ठानम भी बोला जाता था। तो प्रतिष्ठानम अर्थात पैठन सातवाहन शासकों की राजधानी हुआ करती थी, और सातवाहन वंश की स्थापना की थी शिमुक ने। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने खोज की थी शून्य की, साथ ही साथ आर्यभट्ट ने ही दिया था सूर्य सिद्धांतम भी। भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? और ये रहे आपके पास चार ऑप्शंस, जबकि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था। और आज का लास्ट प्रश्न है, चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषधि शास्त्री हुआ करता था? और इन चार ऑप्शन में से सही जवाब ऑप्शन सी कनिष्क। तो महाराज कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे औषधि शास्त्री चरक, और साथ ही साथ सुश्रुतु। तो चरक ने लिखी थी चरक संहिता, जो औषधि शास्त्र से संबंध रखती है, जबकि सुश्रुतु को हम जानते हैं शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह कौन सा हुआ करता था? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए गरुड़। तो गरुड़ गुप्त काल का राजसी चिन्ह हुआ करता था, और साथ ही साथ वह वैष्णव धर्म को मानते थे।
हर्षचरित किसने लिखी थी? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित, और बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। इसके अलावा बाणभट्ट ने एक और पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था कादंबरी। कौन से देश में अंगकोर वाट मंदिर परिसर स्थित है? और ये रहे चार ऑप्शन, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए कंपूचिया। तो कंपूचिया में स्थित है अंगकोर वाट मंदिर, और यह है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और ये समर्पित है भगवान विष्णु को। खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी चंदेल शासकों द्वारा। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, और ये स्थित है मध्य प्रदेश खजुराहो में, और साथ ही साथ यहीं पर मौजूद है 64 योगिनी मंदिर। किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहा जाता है? और ये रहे चार ऑप्शन आपके पास, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी जगत गुरु शंकराचार्य। तो जगत गुरु शंकराचार्य के फिलोसफी को हम जानते हैं अद्वैत दर्शन के नाम से, और अद्वैत का मतलब होता है नो ड्यूलिज्म, यानी कि ब्रह्म और आत्मा इन दोनों को इन्होंने एक माना है। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी, और 1551 से लेकर 1526 तक भारत में राज किया था लोधी शासकों ने। किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम हुआ करता था, उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, जबकि इस मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर राजस्थान में, और इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और यहाँ पर पहले हुआ करता था संस्कृत शिक्षा केंद्र। इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? और इसका सही जवाब ऑप्शन है गुरु अंगद, जिन्हें गुरु लहना के नाम से भी हम जानते हैं। तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि का इन्होंने आविष्कार किया था, जबकि आदि ग्रंथ जो कि सिखों के पवित्र ग्रंथ है, इसका संकलन किया था गुरु अर्जन देव ने, और दशम ग्रंथ की रचना की थी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है कबीर किसके शिष्य हुआ करते थे? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए रामानंद। तो रामानंद के कुल 5 शिष्य थे, और ये 5 शिष्य हैं कबीर, धन्ना, पीपा, सेना और रैदास। तो ये 5 शिष्य हुआ करते थे रामानंद के। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अलवर संत। तो अलवर संतों ने सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये संत 2 प्रकार के थे, एक अलवर संत और दूसरा नयनार संत। तो नयनार संत शैव धर्म को मानते थे, जबकि अलवर संत वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष शुरू की? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1582। तो अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक था दीन ए इलाही, और इसी के चलते ही अकबर ने इलाहाबाद शहर की भी स्थापना की थी। इनमें से किस खदान से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए गोलकोंडा। तो गोलकोंडा से प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरा भारत से लूट कर ले गया था नादिर शाह 1739 में, जब उसने मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल के दौरान जजिया फिर से लागू किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी औरंगजेब। तो औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर की शुरुआत की थी, और यदि बात की जाए इस टैक्स की शुरुआत की, तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने इस कर को शुरू किया था, और यह लगता था हिंदुओं के ऊपर। तो हिंदुओं के ऊपर लगाए जाने वाले धार्मिक कर को बोला जाता था जजिया, जबकि अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, और औरंगजेब ने पुनः इसकी शुरुआत की। किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुबंद बनवाया था? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर कर्नाटका में गोल गुबंद का निर्माण करवाया था, और यह भारत का सबसे बड़ा गुबंद है। किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए लॉर्ड बेलेजली। तो लॉर्ड बेलेजली ने टीपू सुल्तान की हत्या की थी चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, और 1799 में टीपू सुल्तान देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। स्थाई बंदोबस्त किसका लक्षण था? और यहाँ पर ये रहे चार ऑप्शन, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था स्थाई बंदोबस्त, और इस व्यवस्था की शुरुआत की थी 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? और ये हैं चार ऑप्शन यहाँ पे, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, विदेश यात्रा पर निषेध या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि आर्य समाज बाल विवाह, मूर्ति पूजा और विदेश यात्रा इन तीनों के खिलाफ था। और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। कूक आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? और जो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु राम सिंह। तो गुरु राम सिंह ने शुरुआत की थी कूक आंदोलन की, और यह आंदोलन हुआ था पंजाब में। तो पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसे हम जानते हैं कूक आंदोलन के नाम से। अब अगला प्रश्न है, IST और GMT के बीच कितना अंतर है? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 5 घंटे 30 मिनट। तो 5.5 घंटे का फर्क है IST और GMT के बीच में, और IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और यह है भारत की समय निर्धारण रेखा है जो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद नैनी से होकर ये रेखा गुजरती है और यही भारत का समय निर्धारण करती है। और इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक फार्मूला, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में फ़र्क पड़ता है 4 मिनट का। और इसी प्रकार यदि आप 82 डिग्री की बात करें तो 82.5 डिग्री को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपके पास आ जाता है 330 मिनट, और जब आप इसको बदलोगे घंटे में तो यह आ जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट के बराबर। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, डोडा बेटा। तो नीलगिरी का सर्वप्रमुख शिखर है डोडा बेटा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है? और इन चार ऑप्शन को यदि आप देखें तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, लूणी नदी। तो लूणी नदी, जिसे नमक की नदी भी बोला जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुप्रसिद्ध है? और यहाँ पर चार ऑप्शन, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गेंडे के लिए। तो एक सींग वाले गेंडे यानी राइनोसिरोस के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, और यह स्थित है असम में। केरल की साइलेंट वैली किस प्रकार की वैली है? और यहाँ पर रही ये चार ऑप्शन, तो इसका जो सही जवाब आएगा वह आएगा, इट कंटेन्स रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस वैली में पौधे और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पीत क्रांति अर्थात पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, तिलहन उत्पादन। तो तिलहन उत्पाद यानी कि ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है पीली क्रांति अर्थात येलो रिवोल्यूशन। उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा कोयला है? और यहाँ पर ये रहे चार ऑप्शन, जबकि इसका सही जवाब ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, जबकि पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला आप इसे बोल सकते हैं। डीजल लोकोमोटिव कहाँ पर उत्पादित होते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, वाराणसी। तो वाराणसी जाना जाता है डीजल लोकोमोटिव के लिए, साथ ही साथ वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आज का लास्ट प्रश्न है, प्रतिस्थापन स्तर अर्थात TFR किसके समतुल्य है? और इस प्रश्न का सही जवाब आएगा वह है ऑप्शन बी, 2.1। तो 2.1 के बराबर है टोटल फर्टिलिटी रेट भारत में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और यदि आपको हमारी वीडियोस बेनिफिशियल लगती है तो कृपया हमारी वीडियोस को लाइक करें, और किसी भी प्रकार की डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय। कोचिंग के श्रेष्ठ अनुभव के लिए आज ही ज्वाइन करें विजय।